अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे परीक्षा को लेकर लेटेस्ट अपडेट, और एक बात और आपको बताने वाले हैं कि धरना प्रदर्शन के बाद पेपर दोस्तों जल्दी होने की संभावना हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपको लग रहा था परीक्षा की तारीख नहीं आ रही है, तो बहुत ही जल्दी अब आपको परीक्षा की नई तारीख देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की ढेर सारी अपडेट। DLED प्रशिक्षुओं ने परीक्षा प्रमोट कराने के लिए दिया धरना। दूसरी खबर में दोस्तों यह आती है पेपर में अपडेट की परीक्षा को धरने पर बैठे DLED प्रशिक्षु। फिर दोस्तों देखिए सेमेस्टर प्रोन्नत या परीक्षा पर जल्द हो निर्णय। कुल मिला के दोस्तों देखिए आवाज़ काफ़ी तेजी से उठ रही है DLED छात्रों की। देखिए एक दिन के धरने से इतना कुछ हो चुका है, तो सोचिए दोस्तों अगर ये काम पहले हुआ होता तो कितना बढ़िया रहता, लेकिन इस समय देखिए कोरोना काल भी चल रहा है, तो सभी कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही हो सकता है। ऐसा तो है ना कि बिना सोशल डिस्टेंसिंग के आप चले जाएं धरना देने, तो ये सब बातें हैं। लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर अगर आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सोशल मीडिया के आपने पावर देखा है ट्विटर। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर के माध्यम से लाखों बच्चे ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं। एक बात और आपको बता दें, कल है 5 सितंबर शिक्षक दिवस। कल दोस्तों शाम 5:05 पर आपने देखा होगा थाली वाला प्रोग्राम होने वाला है। वो दोस्तों पूरा मुद्दा है बेरोजगारी पर। आपको बता दें दोस्तों एक साल में DLED में 4 लाख बच्चे पास होने वाले हैं, क्योंकि देखिए इस समय 2018 बैच लगभग कंप्लीट है, 2019 बैच लगभग कंप्लीट की ओर है। एक और बात आपको बताएं कि 2 लाख बच्चे DLED से होंगे, 2 लाख बच्चे BEd से होंगे, 4 लाख बच्चे आप लोग ऐसे होंगे, तो हर साल 4 लाख बच्चे बेरोजगार निकल रहे हैं। नौकरी की व्यवस्था कैसी होगी, इसी बात को लेकर कल दोस्तों धरना प्रदर्शन नहीं है, सिर्फ दोस्तों थाली वाला प्रोग्राम है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे, प्रमोट होने की संभावना कितनी है इसको देखेंगे, धरना प्रदर्शन का क्या रहा रिजल्ट, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस होगा। सबसे ज्यादा बच्चे गणित में फेल होते हैं। देखिए पेपर की संभावना बढ़ती जा रही है, पेपर बहुत ही जल्द हो सकते हैं। अब भाई इतना ज्यादा धरना करेंगे, ये सब बातें होगा, चलिए अच्छी बात है, आपको इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि आपका पेपर होने वाला है। बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना कि आपका पेपर नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए जितनी जल्दी पेपर होगा उतनी ही जल्दी आपकी टेंशन खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट की भी दोस्तों गाइडलाइंस आ चुकी है कि परीक्षा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई विश्वविद्यालय चाहता है कि वो फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर कराना चाहे, सेकेंड का भी, तो भी परीक्षा करा सकता है, उनके पास पूरा अधिकार आ गया है। अभी तक यह था कि UGC गाइडलाइंस में यह आई थी दोस्तों बात कि फाइनल ईयर को छोड़कर सभी बच्चों को प्रमोट किया जाए, लेकिन दोस्तों उसके अलग अलग एक अपडेट आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर आपके विश्वविद्यालय चाहेंगे तो आपका पेपर ले सकते। इसका मतलब आप बस इतना समझ लीजिए कि आपके पेपर के सारे रास्ते खुल चुके हैं, अब दोस्तों कुछ हो नहीं सकता। और दोस्तों ये जो पेपर की बात थी वो सितंबर में ही कराया जा सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये भी थी। चलिए कुछ और बात इस वीडियो में डिस्कस होगा। देखिए आप लोग परीक्षा की तैयारी अब तुरंत शुरू कर दीजिए, समय बर्बाद मत करिएगा। गणित में पास होने की गारंटी कैसे दोस्तों, गारंटी आप पास हो सकते हैं गणित में, तो हमने आपके लिए एक यूट्यूब चैनल लाया है जिसका नाम है DLED मैथ, ठीक है। आप इस YouTube चैनल को पहले हम कमेंट बॉक्स में इसका लिंक देंगे, उसको जाकर आपको तुरंत सब्सक्राइब करना है। और आज रात ही आपको दोस्तों 2 वीडियो देखने को मिलने वाली हैं। पहली दोस्तों जो वीडियो होगी वो फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर होगी मैथ की, जिसमें दोस्तों हमने जो वीडियोस हमने आपके लिए बनाई थी पहले उसको दोस्तों 1 मई हमने कर दिया। इसमें दोस्तों आपको बहुविकल्पीय प्लस अति लघु उत्तरीय प्लस लघु उत्तरीय क्वेश्चन एक ही वीडियो में होगी दोस्तों, लगभग 5 घंटे की वीडियो होने वाली है। सबसे अच्छी बात यह होगी कि इसमें आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखने को मिलेगा, मतलब कोई भी दोस्त आप ब्रेक को स्किप करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखिए मौज से पूरी वीडियो को देखिएगा, तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर होगी, राहत की खबर होगी कि भाई ये एड वैड नहीं आ रहा तो अच्छा लगता है। कुछ छात्र सोचते हैं ना एड को स्किप कर करके थक जाते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद दोस्तों DLED थर्ड सेमेस्टर में भी मैथ की वीडियोस मिलेगी, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर में भी दोस्तों आपके मतलब बहुविकल्पीय प्लस अति लघु उत्तरीय प्लस लघु उत्तरीय तीनों को एक ही में बनाकर आपके सामने रखा जाएगा। इस चैनल की खासियत ये होने वाली कि आपको दोस्तों गणित की रोज क्लासेस मिलेंगी। अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग यार DLED की बात को डिस्कस करते हैं, BEd मुद्दे को देखते हैं, UPTET CTET सारे मुद्दों को हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उस बीच में आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आता है, तो उसको दोस्तों अलग करने के लिए हमने सोचा आपके लिए एक नया चैनल बना दिया जाए कि आपकी मैथ की जो रेगुलर क्लासेस होती रहें। देखिए अगर आपने गणित में रिवीजन करना छोड़ दिया ना फिर पास होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैथ इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। उसी बात को हमने सोच के सोचा कि चलिए आपके लिए एक नया चैनल ही बना दिया जाए, जिससे आपकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। और सबसे बड़ी बात है कि DLED में जो लाखों बच्चे हर साल फेल होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर जितने भी सेमेस्टर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल होते हैं ना वो मैथ में ही होते हैं,
गणित में दोस्तों आपकी बैक आ सकती है और इस बार बैक आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। हर बार से दोस्तों लाख गुना ज्यादा संभावना इस बार आपकी बैक आने की बन गई है। उसका रीजन आपके सामने ये होगा कि देखिए, परीक्षा होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मतलब परीक्षा बहुत ही कड़ाई से होगी। जी हाँ दोस्तों, आप और दूसरे आपके साथी काफी दूर आपसे बैठेंगे, इसका मतलब है कि आप दोस्तों से मदद की उम्मीद बिल्कुल ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में होगा चलो यार मेरा दोस्त आगे बैठे थोड़ा बहुत मदद कर देगा बहुविकल्पीय प्रश्नों में, लेकिन जब डिस्टेंस इतना ज्यादा मेंटेन हो जाएगा तब वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत आपके सामने बताते हैं, दिक्कत कहाँ से आती है। दिक्कत ये आती है दोस्तों, जो हमारा पेपर होता है वो सिर्फ एक घंटे का होता है, एक घंटे का पेपर। एक घंटे में दोस्तों आप क्या क्या कर लेंगे, नकल करेंगे, परीक्षा देंगे, क्या करेंगे। और सबसे अच्छी बात आपको लिए आई, मतलब एक थैंक यू आपके लिए कि दोस्तों आज ही चैनल बना, कुछ ही घंटों में आपने 143 बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद। और हमारा जो पुराना चैनल जिस समय में वीडियो आप देख रहे हैं इसमें अब तक 3,08,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो ये दोस्तों हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि वो फैमिली यहाँ पर भी जल्दी से आए। और जल्दी से मतलब गणित के दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आप देखना शुरू करिए। और अच्छी बात ये होगी कि फिलहाल अभी इसमें कोई भी आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलने वाला, तो मतलब आप देखेंगे कोई मतलब ब्रेक व्रेक नहीं आएगा, तो मतलब बढ़िया से वीडियोस चलेंगी, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों पहले आज देख लेते हैं आज के न्यूज़ चैनल में क्या क्या अपडेट्स आई है न्यूज़पेपर में। तो एक और बात ये भी है कि यार जितने भी आपके न्यूज़ चैनल है ना, जो बड़े बड़े टीवी पर न्यूज़ चैनल आते हैं, एंकर आप देखते हैं, कोई भी दोस्तों आपका मुद्दा नहीं उठा रहा है। डीएलएड की बात छोड़ दीजिए, बेरोजगारी पर ही बात नहीं हो रही, जीडीपी माइनस में चली गई, बात नहीं हो रही। देखिए इस पर बात होनी चाहिए, उसी के बेसिस पर आपको नौकरी मिलेगी। याद रखिएगा, सोच रहे होंगे डीएलएड कर ले नौकरी मिल जाए, 69,000 वाले बच्चे बेचारे कब से पास होकर बैठे हैं, नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। रीजन यही है दोस्तों की सरकार की जो नीतियाँ हैं ना, उन कारणों से उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या अपडेट्स आई आज की न्यूज़ पेपर में। देखिए एक जगह से अपडेट आती है कि परीक्षा को धरने पर बैठे डीएलएड प्रशिक्षु, प्रदेश के सरकारी एवं निजी डीएलएड बीटीसी कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे 2018 बैच के प्रशिक्षुओं ने परीक्षा कराने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का घेराव किया। घेराव करने पहुंचे प्रशिक्षुओं का कहना था कि पहले से ही डीएलएड 2018 बैच 8 महीने पीछे चल रहा है, अभी उनके तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई, चौथा सेमेस्टर भी दोस्तों 2 महीने पहले पूरा हो चुका है। ऐसे में परीक्षा को लेकर सचिव परीक्षा नियामक की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं देने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। परीक्षा नियामक कार्यालय पहुंचे प्रशिक्षुओं का कहना था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी उनका धरना जारी रहेगा। तो देखिए आपको इस समय अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो आप लोग काफी पीछे हो रहे हैं। 2019 बैच की बात करें, कुछ छात्र सोचते हैं यार पेपर ना हो, बाद में हो तो बेहतर है। अगस्त 2019 में आपने एडमिशन लिया था, 2019 बैच की बात कर रहे हैं, सितंबर 2020 आ चुका है, पेपर नहीं हुआ, इसका मतलब आप समझ रहे हैं इस समय आपको होना चाहिए थर्ड सेमेस्टर में। नियम के हिसाब से पढ़े आप लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सेकंड सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो वो आपकी गलत फहमी है, ठीक है। आपको पढ़ाया भले जा रहा हो क्योंकि उनको आपसे फीस लेनी है, बाकी पेपर होगा तो पहले फर्स्ट का होगा उसके बाद ही सेकंड का होगा। समझदार बनिए और अपना समय बर्बाद मत होने दीजिए, ठीक है। जो बातें दोस्तों हो रही सोशल मीडिया पर आप उसको ठीक ठाक शेयर करिए, इस वीडियो को भी कोशिश करिए कि अधिक से अधिक शेयर कर पाए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, खाली कहीं और नहीं करना। देखिए आपके जो न्यूज़पेपर है कम से कम आज आपकी उन्होंने बात उठाई है। आजकल दोस्तों यही हो रहा है कि यार किसी भी छात्रों की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर आ ही नहीं रही है। और देखिए असली कामयाबी आपको उस दिन मिलेगी ना जिस दिन दोस्तों आप लोग किसी भी न्यूज़पेपर के पहले पृष्ठ पर होंगे। जी हाँ दोस्तों, देखा होगा ना जो पहला पेज होता है किसी भी न्यूज़पेपर का, वो सबसे महंगा बिकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं, तो जो भी दोस्तों अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखते रहेंगे। परीक्षा को लेकर दोस्तों सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है और पेपर तो हो नहीं रहा है, आश्वासन का लेकर आप करेंगे क्या, कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है आप लोग कोशिश करिए, बाकी दोस्तों ने जो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को सारा ऑन कर लीजिएगा ताकि दोस्तों जो आज की वीडियोस आए सबसे पहले आप उसको देख सकें, ठीक है। पूरी वीडियोस को देखिएगा, मैथ की एक बार रिवीजन जरूरी है। देखिए आपके लिए नई वीडियोस भी आने वाली हैं बहुत ही जल्दी, ढेर सारी आएंगी। परीक्षा को लेकर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और कोई भी क्लासेस के एक भी पैसे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे चार्ज नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना। अच्छी बात यह आपके सामने हम रख रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं एक भी रुपए आपको नहीं देना है। ऐसे भी दोस्तों कोरोना का टाइम चल रहा है, सबकी नौकरियां जा चुकी हैं, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, तो पूरी कोशिश होगी दोस्तों कि आपसे कभी भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पैसे ना लिए जाएं। बाकी दोस्तों आप लोग गलती क्या करते हैं कि आप आते हैं इस चैनल पर, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कुछ और देख लेते हैं, जिसके बाद आप कहीं ना कहीं जाकर अपने पैसे बर्बाद करके आते हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलता है बाद में, आप कहते हैं यार हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, हमने ये नहीं पढ़ा। आप हमारे साथ जुड़े होंगे दोस्तों, देखा होगा जो वीडियोस को काफ़ी हद तक सब कुछ हमने क्लियर किया। मैथ में दोस्तों ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं कि चलो एक नहीं समझ में आया दूसरा नहीं आया तीसरा तो आएगा,
तीसरा नहीं है तो चौथा तो आएगा। इसलिए दोस्तों हमारी वीडियोस हमेशा बड़ी होती है ताकि आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिले और कुछ काम के क्वेश्चन मिले। ऐसा ना हो दोस्तों मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन रख दे। कुछ बच्चे कहते हैं सर वीडियोस को छोटा बनाया करिए, 10 मिनट की बनाया करिए, आधे घंटे की बनाया करिए। गाइस जितनी बड़ी वीडियोस है उतनी मेहनत हमने आपके लिए किया है, तो आपको मेहनत क्या करना है, आपको तो देखना है। आप एक काम ये कर सकते हैं ना, उसी वीडियो को दोस्तों आप पढ़े खाली 30-30 मिनट देखिए ना। हम ऐसा नहीं कहते कि आप एक ही दिन में देखिए, हम आपके लिए बड़ी वीडियो इसलिए लाते हैं कि आप दोस्तों उस वीडियोस को खो मत दीजिए करिए। कुछ बच्चे क्या होता है हमारी वीडियो दोस्तों 10 टॉप आ गए अलग अलग, समझिए इस बात को, हमने 10 वीडियो अलग अलग बना दी, फिर आपसे कहेंगे सर वो वीडियो नहीं मिल रही थी, हमने 10 दिन पहले देखी थी। ऐसे अगर एक वीडियो रहेगा तो आप उसको देख लेंगे, आज भी देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो रह जाएगी तो आप उसको कल भी देखिएगा, 2-3 दिन में देख के कंप्लीट करिए। और कुछ बच्चों में जुनून जग जाता है रातों रात मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद, नहीं यार आज हम गणित को खत्म करके ही रहेंगे, तो बस एक दिन में भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस इसीलिए दोस्तों हम वीडियोस बड़ी बनाते हैं कि कभी कभी अगर आपके मन का मोटिवेशन जाग जाए, ताकत आ जाए, जोश जग जाए, तो आप एक ही दिन में पूरी वीडियोस को देख के अपना मतलब होता है ना पढ़ाई की बड़ास निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के जो ये धरना प्रदर्शन ये सब हो रहा है उसका मतलब बस यही है कि आपकी परीक्षा जल्दी होने वाली है। और दोस्तों कब होगी अभी तक इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अगर आपके सामने कोई तारीख रखता नहीं 21 सितंबर से हो रही है, 28 सितंबर से हो रही है, सब वो संभावित तारीखें हैं, एक्सपेक्टेड तुक्का वाली तारीखें, आप भी अनुमान लगा सकते हैं। आप बोल दीजिए नहीं 15 से हो रही तो 15 से हो रही है, कहने के लिए आप कुछ भी कह दीजिए। लेकिन दोस्तों जिस दिन PNP जब तक अपना आदेश जारी नहीं करता ना, जिसमें PNP के सिग्नेचर हो, ठीक है, मतलब एक मुहर लगी हो, तब तक दोस्तों उसको ऑफिशियल हम नहीं कह सकते। बाकी लोग यहाँ संभावना लगा सकते हैं, पूरी पावर सरकार के पास है। जिस दिन दोस्तों सरकार चाहेगी उसी दिन से आपका पेपर होगा। कोरोना वायरस के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, कोरोना काल में पेपर कराना थोड़ा मुश्किल भी होने वाला है, तो परीक्षा के लिए दोस्तों आप लोग का प्रयास होना चाहिए कि हमारा पेपर भी ऑनलाइन हो। इस समय दोस्तों देश के विभिन्न यूनिवर्सिटीज में जो पेपर हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन में बढ़िया रहेगा, पेपर आप लोग होता है ना पूरा पेपर आपके पास आ जाएगा, आप उसको सॉल्व करके आप जाएंगे अपने कॉलेज में जमा कर देंगे। बस A4 साइज वाला जो पेपर होता है कागज, जिस पर आप फोटो कॉपी कराते हो, उसमें जाइए लिखकर जमा कर दीजिए। अगर ऐसा प्रोसेस रहेगा तो बढ़िया रहेगा, ऑनलाइन के माध्यम से दोस्तों आप तक पेपर भी पहुंचेगा, आपके कॉलेज वाले व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप तक पेपर पहुंचाएंगे, उसके बाद आप लिख कर जमा करिए। देखते हैं क्या होता है दोस्तों, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मैंने पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज रात तक हमारे साथ कम से कम नहीं तो यार 1000 बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है 1000 बच्चे जुड़ेंगे तो उसके बाद अपडेट्स हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद दोस्तों 2 वीडियोस आने वाली हैं, तैयारी शुरू करिए, पेपर की रिवीजन होगा, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ नहीं, बिना ब्रेक पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। बाकी इस समय दोस्तों प्रमोट होने की संभावना बहुत ही कम है, परीक्षा होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, इस बात को ध्यान में रखिए, पेपर की तैयारी करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।